दोस्तों आरबी मोरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एक और आसान सा सोशल मीडिया एड डिजाइन। उसके लिए मैटर मैंने पहले से टाइप कर लिया है और कुछ इमेज भी डाउनलोड कर लिया है। तो इन सभी को मिलाकर एक आसान सा सोशल मीडिया एड डिजाइन कैसे करेंगे, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी जानकारी बता दें कि पिछले वीडियो का और इस वीडियो का जो CDR फाइल का लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप बिल्कुल फ्री के अंदर CDR फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। कीबोर्ड से पी बटन प्रेस करेंगे तो इसके सेंटर में आ जाता है। उसके बाद माता जी की प्रतिमा को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, राइट साइड में रखेंगे और साइज अपने हिसाब से सेट कर लें। और इन सभी मैटर को हम रखेंगे लेफ्ट साइड में। इसके लिए हम कुछ डिजाइन बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पेज से बाहर कर लेते हैं। पेज से बाहर करने के बाद टूल्स में जाएंगे, एलिप्स टूल का इस्तेमाल करके एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट इसी का एक डुप्लीकेट नहीं करेंगे बल्कि मैं क्या करता हूँ इसमें कलर फिल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो तरीके से कलर जो है ओपन कर लिया, एक RGB और दूसरा जो है CMYK। अगर आप सोशल मीडिया के लिए बना रहे हैं तो फिर RGB कलर का यूज करें और प्रिंटिंग के लिए बना रहे हैं तो फिर CMYK कलर का यूज करें। फिलहाल मैं RGB कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें मैंने फिल कर दिया। येलो कलर की बोर्ड से जी बटन प्रेस करेंगे, इसको ग्रेडियंट बना लेते हैं। फंक्शन फिल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एलिप्टिकल कर लेते हैं। उसके बाद जो है इसके लाइन के विड्थ को बढ़ा देते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से कर देता हूँ 3 पॉइंट और बढ़ा देते हैं 6 पॉइंट कर देते हैं। कलर जो इसका है ये मैं कर देता हूँ डार्क मैरून कलर, और जस्ट इसका डुप्लीकेट ना करते हुए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक सर्कल, और साइज इसकी छोटी सी रहेगी, लगभग साइज में इतना कर देता हूँ मैरून कलर। जस्ट डुप्लीकेट करें, दोनों को कर दें आपस में जो है ब्लेंड। प्रॉपर्टी बार में जाएं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा न्यू पाथ, लेकिन उससे पहले जो है इसका कर लें एक डुप्लीकेट। इसके आउटलाइन को मैं नन करता हूँ और फिर से आउटलाइन लगा देते हैं, लेकिन पतले शेप में मैंने आउटलाइन लगा दिया। फिल भी नन कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से कर लेते हैं न्यू पाथ, सिंपली अप्लाई कर देते हैं, पाथ हो गया है। प्रॉपर्टी बार में ही आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा ब्लेंड अलोंग फुल पाथ, इस पर क्लिक करेंगे, ये पूरे सर्कल में पाथ हो गया है। अब इसकी संख्या आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, मैंने कर दिया 150, इसको और कम कर लेते हैं 120 कर लेते हैं, तो काफी घना हो जा रहा है, और भी 110 कर लेता हूँ मैं। ओके, कंट्रोल के से ब्रेक करें या फिर आप लाइन भी नन कर सकते हैं, मैंने ब्रेक कर लिया। सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं, और चाहे तो इस पर राइट क्लिक करें, इसी समय सर्कल में कर दें पावर क्लिप इनसाइड। तो सिंपली पावर क्लिप इनसाइड, उसके बाद एक बार फिर से टूल्स में जाएंगे और यहाँ से इम्पैक्ट टूल सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट भी कर लिया। इसके पॉइंट की संख्या या फिर जो विड्थ है बढ़ाने के लिए मैं सिंपली यहाँ से जो है बढ़ा देता हूँ। इतना परफेक्ट रहेगा कंट्रोल की उसे कर्ट कर लेते हैं, अनग्रुप करेंगे, वेल्ड भी कर लेते हैं, साइज भी छोटी कर लेंगे और इसको मैं कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। टूल्स में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल सेट करेंगे, फंक्शन एलिप्टिकल, और कलर जो है वो मैं कर देता हूँ व्हाइट। उसके बाद मैं साइड से कुछ डिजाइन बना देता हूँ। तो उसके लिए टेक्स्ट टूल सेट करेंगे और सिंपली टाइप कर लेते हैं शिफ्ट के साथ मझोला पुस्तक, ये मैंने बना लिया। फॉन्ट इसका जो है वो चेंज कर लेते हैं, तो सिंपली फॉन्ट मैं कर देता हूँ यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन कर दिया मैंने इसमें, और इसकी साइज बढ़ा देते हैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, और कलर यही सेम इसमें भी अप्लाई कर देते हैं। मैं इसको यहाँ पर सेट करता हूँ, कंट्रोल क्यू से चाहे तो कर्व कर लें और अटैच करा दें, यहाँ से सर्कल से अटैच करा दें। साइज अगर आप बढ़ानी है थोड़ा सा बढ़ा दें। उसके बाद जो है दोनों को सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से ई बटन प्रेस करेंगे, टॉप और बॉटम से सेंटर से अलाइनमेंट हो जाता है। अलाइनमेंट करने के बाद जो है जस्ट इसका हम करेंगे डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट मैं कर लेता हूँ राइट साइड में यहाँ पर। अब इसकी साइज हमें थोड़ी सी बढ़ानी होगी, ऐसे में थोड़ा सा बैठता नहीं, थोड़ी सी साइज मैंने बढ़ा दिया है। तो इस तरीके से आपको भी हो सकता है एक ही बार में बैठ जाए, तो उस कंट्रोल के साथ रोटेट कराएंगे तो इस तरीके से जो है आपको परफेक्ट डिजाइन देखने। अगर आप कंट्रोल बटन का इस्तेमाल नहीं करते हैं
तो इस तरीके से बिल्कुल बराबर बराबर स्पेस में आपको कभी कभी डिजाइन देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद जो है इस रेक्टेंगल को लाते हैं पेज के सेंटर में और यहाँ पर मैं इस रखता हूँ सर्कल को। तो सिंपली सर्कल को मैंने यहाँ पर रख दिया और प्रतिमा माता जी की प्रतिमा को मैं और बड़ा कर देता हूँ, बिल्कुल फुल में कर देते हैं। यहाँ पर शिफ्ट के साथ पेज डाउन कर देता हूँ। अब इतना स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। इस स्पेस में जो भी आपको सेट करना है आप अपने अनुसार सेट कर लें, तो मैटर यही सेम रहेगा। मैं सभी को एक साथ लाकर यहाँ पर सेट कर देता हूँ और साइज जो है इसकी हम बढ़ा देते हैं। तो शिफ्ट बटन प्रेस करके साइज यहाँ पर मैंने बढ़ा दिया है और बॉटम साइड में लाएंगे और ये जो मैंने दुर्गा जी की प्रतिमा रखा है यहाँ पर सेट कर लेते हैं। जो प्लस मैंने रखा है प्लस यहाँ से हटा देते हैं। कलर चाहे तो आप थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से जो है 19:20 सेट कर सकते हैं। साइज हल्की सी मैं और बढ़ा देता हूँ। दोनों साइड में कलर्स का इस्तेमाल कर देते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से एक प्लस करता हूँ कॉपी और सेट कर लेते हैं। यहाँ पर दो दो कलर्स रख लेते हैं, एक की साइज छोटी और एक की साइज बड़ी। सेट करने के बाद अब इन सभी को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस वाले रेक्टेंगल में कर देते हैं पावर क्लिक। तो सभी को सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ इस रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल डी सिलेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी सिलेक्ट हो गया। इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिक इनसाइड कर लेते हैं। उसके बाद जो है इसमें हम बैकग्राउंड भी सेट कर देते हैं। तो बैकग्राउंड के तौर पर मैंने एक बैकग्राउंड इंसर्ट कर रखा है, उसको जो है सेट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा और मैं बाहर की साइड निकाल देता हूँ और कलर जो मैंने लाइट किया है तो चाहे कलर थोड़ा सा डार्क कर लें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैं सिंपली इसको करता हूँ यहाँ से जीरो कर लेते हैं। इस तरीके से आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगा। लाइट कलर करते हैं 30% मैंने कर दिया लाइट, साइज और भी बढ़ा देते हैं, ये सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर येलो कलर फिर येलो कलर, तो इस तरीके से डिजाइन बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्या करता हूँ इसकी साइज छोटी कर लेते हैं। साइज छोटी करने के साथ ही चाहे तो टॉप साइड में कुछ फ्लावर का भी यूज कर दें, वैसे प्लेन सा डिजाइन लग रहा है तो यहाँ पर फ्लावर का भी यूज करते हैं। इसको और बॉटम साइड में लाएंगे और फ्लावर मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर रखा है, दोनों साइड से लगा देते हैं, साइज बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आपको एक आसान सा डिजाइन देखने को मिल जाता है, लेकिन ये कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसको करता हूँ पेज से बाहर। उसके बाद जो है ये जो मैंने यहाँ पर येलो कलर फिल कर रखा है इसको कर देते हैं व्हाइट कलर। तो नवरात्रि का कलर जो है वो मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो इसमें फिल करेंगे ब्लू कलर, कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करेंगे, इसको बना देते हैं ग्रेडियंट फॉन्ट। अगर आपको नॉर्मल बोल्ड करना है तो अपने हिसाब से और भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से जी बटन और यहाँ पर मेजेंटा कलर फिल। अब इसमें हम पैटर्न यूज करेंगे, तो पैटर्न मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर रखा है, साइज इसकी बढ़ा देते हैं और कलर जो है इसका डाउन कर देंगे। तो टूल्स में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल सेट करेंगे, यहाँ से यूनिफॉर्म और इसको मैं कर लेता हूँ 75। लाइट कलर हम यूज करने वाले 70 कर लें, थोड़ा सा डार्क रहेगा। तो इस तरीके से ग्रेडियंट कलर भी यूज में ले सकते हैं। बैकग्राउंड को करते हैं डिलीट। अगर बैकग्राउंड नहीं डिलीट करना चाहते हैं तो साइज छोटी करके देख लेते हैं क्या अगर अच्छा लग रहा होगा तो इसको हम यूज में ले लेंगे, नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर बैकग्राउंड को हटा देंगे। ये बैकग्राउंड जो है अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें हम सिंपल ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करते हैं, ये देखने में अच्छा लग रहा है। और इसका कलर जो है कर लेते हैं चेंज। ये जो कृपा का फॉन्ट है, फॉन्ट तो सेम रखते हैं, कलर में ये जो ग्रेडियंट कलर है ये कर लेता हूँ और आउटलाइन भी जो है लगा देते हैं इस तरीके से, साइज बढ़ा दें। वैसे टॉप साइड में अच्छा लग रहा था, यहाँ पर इसका यूज मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर जो नेम आप लिखेंगे इसका कलर व्हाइट रख लेंगे, हो सकता है आप अपने फर्म का नेम या फिर अपना फोटो ही यूज करना चाहें। तो
तो आप अपने अनुसार यूज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ एक आसान सा डिजाइन कंप्लीट तैयार कर लिया है। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।